हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास फोर का चैप्टर वन का एक्सरसाइज वन ए पढ़ाया गया था और उसमें क्वेश्चन का आंसर भी बताया गया था। आशा है कि आप लोग बनाए होंगे। आज हम लोग जो है उसी यानी फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज वन बी सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत देखिए पहला क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्या चीज कि राइट द प्लेस ऑन द एक्सेस, यानी ये जो हमारे पास बॉक्स बचा हुआ है दिखाई पड़ रहा है, ये वन टू और थ्री फोर बॉक्स बचा हुआ है और इसमें एक चीज 100 दिया गया है। कहाँ पे 100 होगा वो दिया गया है और चार बॉक्स जो खाली है हमें भरना है, इसमें फील करना है कि यहाँ पे क्या चीज होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। सिर्फ हमें लिखना है कि कौन से जगह पे क्या चीज होगा। तो जानते हैं यहाँ से जो स्टार्ट होता है, हम मैंने बताया था पीरियड के बारे में क्या चीज कि पहले अगर इधर से स्टार्ट करते तो पहले क्या आता है वंस, क्या आता है वंस, और वंस को हम लोग क्या लिखते हैं ओ, क्या ओ। उसके बाद वंस के बाद आता है टेंस, टेंस का क्या, टेंस को क्या चीज लिखते हैं टी, क्या लिखते हैं टी, और हमारे पास पहले से 100 दिया गया है। 100 के बाद क्या आता है थाउजेंड आता है, ठीक है, थाउजेंड को क्या लिखते हैं टी एच, और थाउजेंड्स के बाद क्या आता है टेन थाउजेंड्स, क्या आता है टेन थाउजेंड्स, तो टेन का होता है टी और थाउजेंड का टी एच होता है। बस हमें यही चीज भरना था, ठीक है, और कुछ नहीं, ये क्वेश्चन में यही चीज करना है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है कि नॉमरेल लिखने के लिए, नॉमरेल के बारे में मैंने बताया था, राइट इन फिगर, जो चीज दिया है उसको मैथमेटिकल में ए वन टू थ्री फोर इस टाइप में हमें लिखना है। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में बोला है नंबर में, अब जो चीज हम लोग मैथमेटिकल में लिखेंगे वन, तो उसका स्पेलिंग जो लिखते हैं ओ एन वन, वही हो गया नंबर में। तो हम लोग इस फिगर के अनुसार जो हम लोग नंबर निकालेंगे इसी का हमें नंबर नेम भी लिखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर टू में पहले वंस से स्टार्ट करते हैं, क्यों, पहले वंस पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए वंस में देखिए इस स्टिक में तो कितने सर्कल यानी नजर आ रहा है, देखिए गिनती करते हैं यहाँ पर, ये वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, तो क्या होगा सिक्स। अब वंस के बाद किसकी, टेंस की बारी है, टेंस को, टेंस में कितना है स्टिक में वन। उसके बाद हंड्रेड्स में देखिए, हंड्रेड्स के स्टिक्स में कितना है वन और ये टू सर्कल है। थाउजेंड, टेंस हंड्रेड्स के बाद थाउजेंड्स आता है, थाउजेंड्स के स्टिक में देखिए कितना सर्कल नजर है, वन टू थ्री फोर और ये फाइव है, कितना है फाइव। अब लास्ट में टेन थाउजेंड्स है, इसका गिनती कर लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे, काउंटिंग में वन टू थ्री और ये फोर, ये हमारा हो गया नंबर, हम लोगों ने मैथमेटिकल में लिख लिया। अब बस कुछ नहीं, इसी मैथमेटिकल रूप को सेंटेंस में हमें लिखना है नंबर नेम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप समझ में, ये वॉन्स, ये टेंस, ये हंड्रेड, ठीक है, और 45 क्या हुआ, ये थाउजेंड के अंतर्गत आता है, क्या हम इसे कितना पढ़ सकते हैं 45,216, 45,216, तो यही चीज लिखना है 45। 45 का स्पेलिंग क्या होता है एफ ओ आर टी वाई, 45,000, टी एच ओ 1200, तो 200 का टी डब्ल्यू ओ टू, 100 का एच यू एन डी आर ई डी 100, और लास्ट में क्या है 16 है, तो 16 का एस आई एक्स टी डबल ई एन, यही चीज कह रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री अब पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्वेश्चन नंबर टू का मैंने ए नंबर बताया था, बी नंबर भी आप लोगों को बनाना है, सेम टू सेम उसी टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 53,876, इसमें आपको वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, सर्कल बनाना है, क्या बनाना है सर्कल बनाना है, ठीक है। जिस प्लेस पर जितना नंबर, जितने जो जो नंबर रहेगा उतना नंबर का जो है हमें क्या करना है सर्कल बनाना है, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं, ये हमारा होगा वंस, ठीक है, उसके बाद
टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड और ये टेन थाउजेंड, ठीक है। तो देखिए वंस के जगह पे कितना नंबर है, सिक्स, तो हमें वंस के एस्टिक वाले में सिक्स सर्कल बनाना है, वन टू थ्री फोर फाइव और ये हो गया सिक्स। अब टेंस के देखिए, टेंस के प्लेस पे कितना नंबर है, सेवन, तो टेंस के एस्टिक जो, टेंस के ऊपर में एस्टिक जो दिखाई पड़ा है, इसमें हमें सेवन सर्कल बनाना है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो गया सिक्स और ये लास्ट सेवन। हंड्रेड, अब हंड्रेड का लेते हैं तो हंड्रेड के प्लेस पे कितना है, एट है, तो हंड्रेड के एस्टिक वाले में कितना हमें सर्कल बनाना होगा, एट, तो वन टू ये थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट। अब थाउजेंड, थाउजेंड के प्लेस पे कौन है, थ्री है, तो थाउजेंड के एस्टिक वाले में हमें थ्री सर्कल बनाना है, वन टू और ये थ्री। टेन थाउजेंड के जगह पे फाइव है, तो टेन थाउजेंड के एस्टिक में हम फाइव सर्कल बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। थ्री का ए समझ में आ गया होगा हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। इसमें टू क्वेश्चंस और हैं, बी और सी सेम टू सेम, इसी तरह से जिस प्लेस पे जो नंबर रहेगा उतने उस वाले स्टिक में हमें उतना सर्कल बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको नॉमरल में लिखना है, मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन नंबर टू में नॉमरल का मतलब मैंने बताया था, जो चीज सेंटेंस में दिया रहेगा हमें उसे मैथमेटिकल वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से लिखना है, ठीक है। और पिछले क्लास में भी आप लोग क्लास थ्री में भी जानते होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी थोड़ा सा बड़ा था इसलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग ए और सी डी इस तरह से जो होगा बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर बी में है 59,814, ठीक है। तो पहले हम पीछे से लगाते हैं, 14 है और 800 है, ठीक है, तो 100 देख रहे हैं ना, 100 है तो 100 के स्थान पे आएगा कितना, 800, ठीक है, 800 हो गया। और उसके बाद 14 यानी 10 और 4, तो 14 को 14 लिखेंगे तभी 14 होगा, तब पढ़ा जाए तो 814, देखिए यहाँ पे 814, अब पढ़ेंगे तो 814 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 59,000, अब 100 के बाद 1000 और ये 10,000, ये दोनों 1000 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो 59 है तो 59 देंगे, 59,814, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी तक है, आप लोगों को इसी तरह से बॉक्स, क्वेश्चन में बॉक्स दिया गया है, ठीक है, मैंने एक अलग बनाया है, क्वेश्चन बॉक्स दिया गया, आप लोगों को इसी तरह से फील करना है, पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर के बाद देखिए फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला है राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड, ये मैथमेटिकल में दिया गया है, इसे वर्ड में लिखना है, ठीक है। मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले इस क्वेश्चन नंबर फोर में मैंने बताया है कि थाउजेंड और टेन थाउजेंड किसके अंतर्गत आता है, थाउजेंड के अंतर्गत, ठीक है। तो पढ़ने के द्वारा हम इसे क्या पढ़ सकते हैं, 43,000, 43,670, ठीक है। तो लिखते हैं 43,600 कितना 70, क्या पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर बी लिया गया, ए सी डी ई आप लोगों को बनाना है, सिर्फ ये चीज बॉक्स में दिया गया है, आप लोगों को इंग्लिश में यानी सेंटेंस में वर्ड में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसमें क्या रहा है, विच नंबर इज फॉर्मेड इफ 4 and 9 आर रिप्लेस्ड बाय 0, ठीक है। इन द नंबर 31,479 द नंबर इन नंबर्स एंड वर्ड्स, ठीक है, ये नंबर। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, 4 और 9 को रिप्लेस करना है, हटाना है, ठीक है, और इसके जगह हमें जो नंबर रखना है वह 0 है, कौन है, 0। यहाँ पे दिया गया है इफ
एंड नाइन आर रिप्लेस्ड बाय जीरो, ठीक है। यदि फोर और नाइन को हटा के अगर उसके जगह जीरो रखें, ठीक है, तो कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम हटा के रखते हैं, यहाँ पे फोर और नाइन को क्या कहा गया है, हटाना है और इसके जगह पे क्या रखना है, जीरो। तो थ्री वन रहेगा सेम टू सेम, फोर के जगह जीरो रखेंगे और सेवन के जगह जीरो रखेंगे और नाइन के जगह भी जीरो रखना है। ये हमारा जो रिप्लेस करने पे नंबर आया ये हो गया, ठीक है। और इसी चीज को बोल रहा है नंबर नेम भी लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में लिखना है। किस चीज में, इंग्लिश में। देखिए यहाँ पे हम इसके इसको पढ़ने के दौरान क्या बोल सकते हैं, 31,000 क्या होगा, 31,000, 100 के जगह पे तो जीरो है यानी 100 नहीं होगा, लास्ट में 70 है यानी 31,070, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं 30THRTY 31,000 कितना 70 SEVENTY 70, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बस इतना ही बोल रहा था कि फोर और नाइन की जगह हमें जीरो रखना है, जो नंबर बनेगा, ठीक है, उसको इंग्लिश में लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेवन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे बोला था कि नंबर को हटा के और उसके जगह जीरो रखना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेवन में कह रहा है कि एक दूसरे के जगह पे रखना, यानी हम चेंज कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा इसको, ठीक है। नंबर दिया गया है कितना, 45,089, कितना है 89, और इंटरचेंज बोल रहा है फोर और नाइन, किसको, फोर और नाइन, यानी इस दोनों को आपस में चेंज करना है। अभी फोर है वो आएगा नाइन के स्थान पे और नाइन जो है वह चला जाएगा फोर के स्थान पे, तब जो नंबर बनेगा उस नंबर को हम लोगों को सेंटेंस में यानी वर्ड में लिखना है। अगर चेंज करने पे बोला जाए, ठीक है, तो नाइन को फोर के प्लेस पे रखते हैं तो 9 5 वैसे ही 0 8, और नाइन के जगह पे कौन आएगा, फोर आएगा। देखिए हम लोगों ने फोर और नाइन को एक दूसरे के जगह से चेंज कर दिया, ठीक है। अब जो ये नंबर जो बना है 95,084, इसको सेंटेंस में लिखना है, आप लोग खुद से लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्मेट यूजिंग 7 3 8 9 0। यहाँ पे फाइव डिजिट दिया गया है, 1 2 3 4, और ये फाइव डिजिट दिया गया है, इन सबों को मिला के हमें एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है, फाइव डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। उससे बड़ा नंबर और कोई नहीं बनना चाहिए, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर के बारे में मैंने बताया था क्या करना है उसे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। पहले सबसे बड़ा नंबर इसमें चूज करते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नाइन है, कौन है, नाइन। अब इससे छोटा कौन सा नंबर है, एट है, ठीक है। इससे छोटा कौन सा नंबर है, सेवन है। इससे छोटा कौन सा नंबर है, थ्री है, और इससे सबसे छोटा जीरो है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 98,730, इस फाइव डिजिट को मिला के हमारे पास जो नंबर बना है वह 98,730 है। इससे बड़ा अब हम जो चाहेंगे, ठीक है, कि बनाई नंबर नहीं बन सकता है, समझ रहे हैं ना। बस इतना ही था, चैप्टर में 8 ही क्वेश्चन है, और आप लोगों को इसका पिक भेज दिया जाएगा एक्सरसाइज का, आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान देना है कि जो बताया जा रहा है उसको साथ में फेयर करते चलना है, ठीक है, ताकि आगे चल के कठिनाई ना हो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।